बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत सालों से चला रहा है और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के जो लोग बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं वो अक्सर इस नेपोटिज्म की कश्मकश में फंस जाते हैं। और बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा करण जौहर को ट्रॉल किया जाता है। हालांकि पिछले साल भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म को लेकर बहुत आवाज उठी थी, लेकिन बॉलीवुड में जो सुशांत के साथ हुआ वो शायद फिर से एक बार एक और स्टार के साथ हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बॉलीवुड में आजकल कार्तिक आर्यन अपने करियर की बुलंदियों पर हैं और वो कहते हैं ना कि जब सक्सेस इंसान पा लेता है तो सक्सेस उसके सर चढ़कर बोलने लगती है। शायद ऐसा ही कुछ कार्तिक आर्यन के साथ हो रहा है, इसीलिए वो टेंड्रम्स भी थ्रो करते नजर आते हैं, क्योंकि कार्तिक आर्यन आज के दौर के बड़े स्टार हैं, कई फिल्में उनके हाथ में हैं, लेकिन उनके टेंड्रम्स की वजह से एक के बाद एक फिल्में उनके हाथ से जा रही है। दरअसल कुछ समय पहले करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को हटा दिया गया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे और लोग एक बार फिर से करण जौहर को ट्रॉल करने लगे थे। एक बार फिर नेपोटिज्म का झंडा उठ गया था, लेकिन अब एक बार फिर कार्तिक आर्यन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की रेड चिलीज की एक फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि अब तक इस खबर पर ना ही रेड चिलीज और ना ही कार्तिक आर्यन का कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है। बता दें कि कार्तिक ने रेड चिलीज के साथ फिल्म गुड बॉय फ्रेडी करीब 3 साल पहले साइन की थी, लेकिन फिल्म को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक को फिल्म की स्क्रिप्ट खास पसंद नहीं आ रही थी और वो इसमें बदलाव चाहते थे। फिल्म को साइन करते समय कार्तिक को स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन अब वो इसमें बदलाव चाह रहे थे, जिस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ जो हो रहा है उसने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की याद दिला दी। दरअसल सुशांत के सुसाइड के बाद ऐसे ही सवाल उठे थे कि सुशांत इसीलिए परेशान थे कि उन्हें कोई बड़े बैनर अपनी फिल्मों में साइन नहीं करते थे और उन्हें किसी भी बड़े अवार्ड शो का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहते थे। एक बार फिर से यही सभी चीजें कार्तिक आर्यन के साथ हो रही है। एक छोटे से शहर ग्वालियर से कार्तिक आर्यन माया नगरी और सपनों की दुनिया मुंबई में आए और प्यार का पंचनामा फिल्म में 6 मिनट के मोनोलॉग से कार्तिक आर्यन फेमस हो गए और आज कार्तिक के हाथ में कई प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन फिर भी कार्तिक आर्यन को 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खैर, फिल्म साइन करने के बाद किसी बड़े स्टार को बाहर का रास्ता दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सपनों की दुनिया बॉलीवुड में ये बहुत आम ही बात होती है कि कभी भी किसी भी स्टार को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर चाहे वो फिल्म शूट करने से पहले हो या फिर फिल्म शूट करने के बाद हो। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में स्टार किड्स का को जो अहमियत दी जाती है और कभी उन्हें किसी फिल्म से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, उससे एक चीज तो साफ है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की एक अलग ही दुनिया है और जो लोग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग ही अक्सर बॉलीवुड के इस दलदल में फंस जाते हैं। और इसीलिए आज ये सवाल जहन में आ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में एक और सुशांत सिंह राजपूत बनने वाला है? जो सुशांत के साथ हुआ क्या फिर से कार्तिक के साथ भी वही होगा? क्या एक के बाद एक सुशांत की तरह कार्तिक को भी कर दिया जाएगा फिल्मों से साइड? ये सभी सवाल जहन में आज जरूर रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।